तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज को। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लेट्स गो। तो सबसे पहले अपना वर्ल्ड बना लेते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे करते हैं और अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे हम माइनक्राफ्ट, क्योंकि हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं तो इसलिए माइनक्राफ्ट सही लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने माइनक्राफ्ट ही रख दिया। और अब अपने हम कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेते हैं ताकि बाद में जरूरत पड़े इसकी। तो वर्ल्ड को जनरेट होने में लगेगा टाइम, तो वेट करते हैं गाइस। 2000 years later. तो अपने को अपना स्पॉट मिल चुका है और माइनक्राफ्ट का रूल कहता है कि सबसे पहले पेड़ काटते हैं, तो लेट्स गो पेड़ काटते हैं। अब वुड तो हमने कट कर लिया, अब वुड से हम बनाएंगे प्लैंक्स और प्लैंक्स से हम बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स बना लेंगे ताकि हमें टूल्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे बन चुके हैं, अब स्टिक्स भी ले ली हमने और क्राफ्टिंग टेबल भी ले ली। और क्राफ्टिंग टेबल से हम बनाएंगे जैसे कि एक्स और पिकैक्स और जॉर्ड, ये बहुत काम आने वाली है पूरे मैच में, तो चलो इनको लेके चलते हैं और अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ लेते हैं। वैसे मुझे ये जो स्पॉट मिला है पूरा जंगल भरा पड़ा है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर विलेज नहीं है और कोई भी लूट के लिए कुछ सामान नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को कोई एनिमल भी नहीं दिख रहा। बीच रास्ते में मुझे मिल गया था पिग और मेरे को चलते चलते यहाँ पर दिखाई दिए कैनल जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स गो। आयरन भी मिल सकता है इसके अंदर, बट यहाँ पर मेरे को कुछ ज्यादा दिखा नहीं, बस कोल दिखा यहाँ पर और स्टोन्स दिखे हैं। तो अब मेरे पास बहुत सारे कोल हो चुके हैं, क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं और टॉर्च बना लेते हैं। कुछ 12 टॉर्च मैंने बना लिए हैं, तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे रात में, बहुत ज्यादा काम आएंगी खासकर, तो उनको लेके चलते हैं यहाँ से। बट वेट गाइज, मेरे को यहाँ क्या दिखा, यहाँ पर दिखा मेरे को आयरन, तो आयरन को भी कलेक्ट करते हैं जल्दी से और यहाँ से लेके इनको चलते हैं। और अब क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के यहाँ से चलते हैं बाहर। बाहर की तरफ मैं जाते हुए देखा यहाँ पर दो कुत्ते एक सीप को मार रहे थे भाई, तो मैंने सीप को बचाने के चक्कर में, सीप तो मर गई लेकिन मैंने सोचा सीप का रिवेंज लेते हैं यहाँ से, तो मैंने डॉग्स को मार दिया, इसने मेरे पर अटैक करा बट मैंने इसको भी मार दिया। तो अब यहाँ से चलते हैं गाइस। बहुत देर तक चलने के बाद मेरे को कोई अच्छी जगह नहीं मिली, आप मेरे हंगर बार देख सकते हो कितना कम हो चुका है, अब यहाँ पर कोई अच्छी जगह नहीं मिली है मेरे को। और मेरे आप कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो कि कितनी दूर आ चुका हूं मैं, अभी तक तो मेरे को कुछ फिलहाल मिला नहीं है, आगे चल के देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से कुछ मिल जाए तो मजे आ जाएंगे बड़े। यहाँ से मेरे को कुछ दिख रहा है गाइस, गाइस ऐसा नहीं हो सकता, वो विलेज है, यकीन नहीं हो रहा मेरे को। इतनी देर फाइनली चलने के बाद मेरे को एक विलेज मिल गया और मैं अपना सोच रहा हूँ कि घर जो होगा, बेस अपना होगा, वो हम विलेज के आसपास में ही बनाने वाले हैं, तो लेट्स गो। विलेज के अंदर घुसते मैंने सब कुछ लूट लिया, बट इसके अंदर असली माल होता है क्योंकि यहाँ पर होती है चेस्ट। और इसके अंदर भाई क्या मिला, इसके अंदर मेरे को एप्पल्स और पोटैटो और कुछ ब्रेड्स मिले मेरे को, ये मेरे काम के नहीं है, मेरे को कुछ सिल्वर फिल्वर दो यार, जैसे कि आयरन का आर्मर दे दो मेरे को, पूरा सेट मिल जाए तो बड़े मजे आ जाए। रात हो चुके हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो सो जाते हैं यहाँ पर पहले। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पर हम उठ चुके हैं और बेड भी चोरी कर लिया हमने, तो यहाँ से अब चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ मिला नहीं और इतना छोटा विलेज हो नहीं सकता, इसलिए इस पहाड़ी के हम पीछे चलते हैं। बट वेट, पीछे जाने से पहले हम इस आयरन गोलम को मार लेते हैं क्योंकि इससे हमें मिलेगा आयरन। तो आयरन गोलम भाई जल्दी आ जा मेरे से पेटने के लिए, तैयार हो जा तू, और अब तू मेरे से बहुत गंदा वाला पेटने आला, जल्दी आ इधर, जल्दी आ। अरे भाई विलेजर भाई धक्का मारियो, हाँ ये हुई ना बात, तो भाई इसको मारेंगे सबसे पहले और इससे लेंगे हम अपना आयरन, तो चलो लेट्स गो। फास्ट मूवमेंट में आप देखो, आयरन गोलन से मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, 3 आयरन मिले हैं। और अब पहाड़ी की छत पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। तो विलेज की पहाड़ी पर मैं आ गया और यहाँ पर मेरे को आते दिखा ब्लैक स्मिथ का घर, तो ब्लैक स्मिथ का घर मतलब आयरन ही आयरन। तो विलेजर भैया सही हो ना, चलो गेट खोलते हैं और इसके अंदर चलते हैं और लूट कर लेते हैं। ओ भाई इसके अंदर तो लेगीज है, सॉरी बूट्स है और हेलमेट है और जॉर्ड है, तो तीनों ले लेते हैं, ऑब्सीडियन जितना भी है सब निकाल लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से चलते, तो उसके बाद चलते चलते मैं यहाँ पर आया और मेरे को ये जगह पसंद आ गई अपने बेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी भी है और सामने ही विलेज है और यहाँ से रिवर भी बह रही है, तो मैं अपना बेस यहीं पर बनाने वाला हूँ। तो चलो कट करते हैं एक चुटकी में। तो गाइस फाइनली मैंने सारी डर्ट हटा दिए हैं और इतनी ज्यादा मेहनत लगी है ना इनको हटाने में, कुछ कह नहीं सकते, तो गाइस इसी बार एक लाइक बनती है। तो मैंने सब कुछ सॉर्टेड कर दिया है, सारी चेस्ट में जितनी भी चेस्ट में मतलब डर्ट थी सारी मैंने सॉर्ट कर दी है, तो चलो इसको लेते हैं और अपना बेस बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो गाइस अपने बेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है, देख सकते हो आप। और अब मेरे को बहुत ज्यादा ओक्स प्लैंक्स या जितने भी प्लैंक्स मिलेंगे मेरे को फॉरेस्ट में सबकी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट में काटने, आप फास्ट मूवमेंट में देखो। हाँ
तो गाइस फाइनली मैंने इतनी सारी प्लैंक्स को कट कर लिया है और अब मैं चलता हूँ विलेज के अंदर, क्योंकि मैं रात में अपने घर तो जा नहीं सकता, अगर जाऊँगा तो ज़ॉम्बी बीच रास्ते में मेरे को मार देंगे। तो अब चलते हैं विलेज के अंदर और यहाँ पे बेड लगा के सो जाते हैं, किसी का बेड चोरी कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या। गुड मॉर्निंग गाइज, हम उठ चुके हैं और अपने बेस की तरफ चलते हैं जहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाया था हमने, और जल्दी से फटाफट से चलते हैं क्योंकि हम लेट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। तो अब मैंने सारे वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया है और अपना बेस तैयार करने वाला हूँ मैं, अब फास्ट मूवमेंट में देख लो। तो गाइस बन चुका है थोड़ा बहुत, अभी पूरा बना नहीं है, एक झलक आपको दिखा देते हैं गाइस। चलो ये देखो गाइस, कुछ ऐसा बना है अपना स्ट्रक्चर। अभी तो और बाकी रह रहा है ग्लास व्लास लगाने, वो यहाँ पर बगल में सैंड पड़ी है उससे हम ग्लास बना लेंगे। गाइस मैंने हर जगह ढूंढ लिया आयरन, लेकिन मेरे को कहीं आयरन नहीं मिला क्योंकि मेरे को आयरन की चेस्ट बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर आयरन बना है और मैं भूल गया कि ये जावा एडिशन नहीं बेडरॉक एडिशन है, और मैं यहाँ पर डोर्स लगाने लग गया और मेरे साथ ये हो गया, देखो आप। तो यहाँ पर ये बहुत गलत सीन हुआ था, मेरे पास डाय हो गया था मैं, लेकिन रिस्पॉन तो अपना हो चुका हूँ मैं, घर तो अपना रेडी है, बट अपने को अब बस आयरन का आर्मर बनाना है। ये देखो अपना घर तो रेडी है, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं जब तक आयरन का आर्मर नहीं बनता मेरा। मेरे को आयरन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, मतलब गाइस देखो पूरा डिग करना पड़ रहा है मेरे को उस आयरन के लिए, मेरे को कहीं पे भी आयरन नहीं मिला। अब जाके मेरे को आयरन मिला है और अब मैं जाके आयरन की चेस्ट बना पाऊंगा। तो गाइस फाइनली मैंने अपना आयरन का पूरा आर्मर बना लिया है और अब घर भी रेडी है, तो बस आपको दिखाना बाकी रह गया। तो चलो घर के बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा बना है। तो लेट्स गो, 3, 2 और ये 1। तो अपना घर कुछ ऐसा बना है, अगर आपको ये घर पसंद आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, और अगर आपको ऐसी नई एपिसोड देखने हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के वो कमेंट कर देना, और अगर आपको वन ब्लॉक सीरीज भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली बार बनाने की उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।